फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार शर्मा आप सभी का गुडविल लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर जो है अपना कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम इसमें 9th क्लास इंग्लिश प्रोज के चैप्टर नंबर 2 काबले वाला में 5 पैसेज कर चुके हैं। आइए अब हम 6ठे पैसेज से शुरू करते हैं आज। ठीक है, देखते हैं इसमें लेखक क्या बताता है। देखिए इसमें, वन मॉर्निंग ए फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ए फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, ही मेड अप जो है बना लेना माइंड, मन, गो जाने का। तो एक सुबह कुछ दिन पहले ही उसने जाने का मन बना लिया, मैं काबले वाले ने। आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ शीट्स इन माई स्टडी। मैं अपने अध्ययन की जो शीट्स थी, पढ़ने वाली जो शीट्स थी, जो नॉवेल वगैरह लिख रहा था, उपन्यास लिख रहा था, उससे जुड़ी हुई जो शीट्स थी उसकी, उनको जो है वो सही कर रहा था, जो प्रूफ शीट थी। इट वॉज चिली वेदर, यह ठंडा मौसम था। थ्रू द विंडो द रेज ऑफ द सन टच्ड माई फीट। खिड़की के माध्यम से सूरज की किरणें मेरे पैरों को स्पर्श कर रही थी, छू रही थी। एंड द स्लाइट वॉर्म्स, और हल्की गर्मी, स्लाइट वॉर्म्स, हल्की गर्मी, वाज वेरी वेलकम, मेरा स्वागत कर रही थी, या फिर मुझे सुखद एहसास करा रही थी। इट वाज ऑलमोस्ट 8 o'clock, ऑलमोस्ट लगभग लगभग जो है 8 बजे थे, या 8 बजे का समय था। एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियन वर रिटर्निंग होम और विद देयर हेड्स कवर्ड। और सुबह की सैर पर जाने वाले, अर्ली पेडेस्ट्रियन होता है सुबह की सैर पर जाने वाले लोग, तो सुबह की सैर पर जाने वाले लोग अपने घर जो है रिटर्न कर रहे थे, वापस लौट रहे थे। विद देयर हेड्स कवर्ड, अपने सर को ढके हुए वे जो है अपने घर वापस लौट रहे थे। ठीक है, ऑल एट वंस, अचानक यानी तुरंत, आई हर्ड, मैंने सुनी, एन अप्रोर, एक सोजुक्त आवाज़ या कोलाहल इन द स्ट्रीट। मैंने गली में जो है अचानक से एक सोजुक्त आवाज़ सुनी। एंड लुकिंग आउट, और बाहर देखते हुए या बाहर झांकते हुए, सा देखा, रहमत बींग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन। तो बींग लेड अवे जो है ले जाया जा रहा था, बाउंड बांधे हुए, बिटवीन टू पुलिसमैन, यानी दो पुलिस वाले, दो सिपाही रहमत को बांधे हुए जो है ले जा रहे थे। एंड बिहाइंड दैम एक क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, उनके पीछे जो है एक तमाशबीन या हंसी मजाक करने वाले लड़कों की भीड़ थी। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ द काबले वाला एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड ए नाइफ। कह रहा है कि ब्लड स्टेन्स होते हैं खून के धब्बे, खून, ब्लड, खून, स्टेन्स, धब्बे। कह रहा है कि काबले वाले कपड़ों पर खून के धब्बे थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड ए नाइफ, कैरीड जो लिए हुए था, उनमें से एक सिपाही एक चाकू लिए हुए था। आगे क्या कह रहे हैं, हरिंग आउट, जल्दी से बाहर आकर, हरी, जल्दी से होता है हरिंग आउट, हो गया जल्दी से बाहर आकर। आई स्टॉप्ड देम, मैंने उन्हें रोका। एंड एंक्वायर्ड, और पूछताछ की, व्हाट इट ऑल मीन, की क्या बात है। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर, एक से पूछा, दूसरे से पूछा। आई गैदर्ड दैट सर्टेन नेबर हैड ओर्ड द पेडलर समथिंग फॉर रामपुरी सोल, बट हैड फास्टली डिनाइड हैविंग बोट इट। तो मैंने एक दूसरे से पूछकर, आई गैदर्ड, मैंने जो है पाया, या मैंने जानकारी इकट्ठा की, दैट की सर्टेन नेबर, एक पड़ोसी, हैड ओर्ड द पेडलर समथिंग फॉर ए रामपुरी सोल, कि एक पड़ोसी ने उस फेरी वाले से जो है रामपुरी सोल खरीदा था, बट हैड फाल्सली डिनाइड हैविंग बोट इट। लेकिन फाल्सली होता है जानबूझकर, डिनाइड मना करना, मना कर दिया, हैविंग बोट इट, लेकिन उसने जो है जानबूझकर मना कर दिया कि उसने कोई सोल नहीं खरीदा है, अर्थात उसने पैसे देने से भी मना कर दिया। एंड दैट इन द कोर्स ऑफ द क्वेरल, और इस झगड़े के कारण ही, ठीक है, इन दैट इन द कोर्स ऑफ द क्वेरल, ठीक है, तो झगड़े के कारण रहमत हैड स्ट्रक हिम, रहमत ने उस पर प्रहार कर दिया, स्ट्रक होता है प्रहार करना। नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, अब जो है पूरे बदले की भावना, अब जो है अपने पूरे बदले की भावना के कारण, या पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, द प्रिजनर बिगेन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, व्हेन सडनली इन द वेरेंडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी विद हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, ओ काबले वाला, काबले वाला। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अपने पूरे जोश में या पूरे उत्साह के साथ, द प्रिजनर जो है काबले वाला था, कैदी,
वो जो है अपने दुश्मन को कॉलिंग जो है पुकार रहा था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम, हर प्रकार के नाम से उसने उसको जो है पुकारा, संबोधित किया है। अच्छा, अर्थात कह सकते हैं कि उसने जो है अपने दुश्मन को, एनिमी होता है दुश्मन, अपने दुश्मन को उसने जो है बुरे भले शब्द कहे। वैन सडनली, जब अचानक से, इन द वेरेंडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड, मैं जब मेरे घर के बरामदे में अपीयर्ड जो है आ गई या प्रकट हुई, माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी जब वो बरामदे में आई, तब वो जो है अपने दुश्मन को बुरे भले शब्द कह रहा था विद हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन। वो काबली वाला, काबली वाला वो कह रहा है कि जब मिनी जो है अपने रोजाना के संबोधन संबोधन के साथ, क्या था कि ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, जब वो छोटी लड़की उसको जो है काबली वाला के नाम से जो है रोजाना के संबोधन के साथ जो है पुकारते हुए मेरे घर के बरामदे में प्रकट हुई अचानक से, तो उस समय वह काबली वाला जो है अपने दुश्मन को बुरे भले शब्द कह रहा था। रहमत फेस लाइटेड अप एज ही टर्न टू हर, रहमत का जो चेहरा था लाइटेड, चमक उठा, एज ही टर्न टू हर, जब वो उसकी तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा खुशी के कारण चमक उठा। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके पास कोई बैग नहीं था, सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, इसलिए वह डिस्कस जो है बातचीत नहीं कर सकी, ठीक है, इसलिए वह उसके साथ हाथी के बारे में कोई डिस्कस या बातचीत नहीं कर सकी। शी एट वंस देयर फोर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तुरंत प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी, आगे बढ़ना, प्रोसीड। आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या आप जो है, क्या आप जो है ससुर के घर जा रहे हो। रहमत लाफ्ड, रहमत हंसा एंड सैड, और उसने कहा जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, छोटी बच्ची, हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। देन सींग दैट द रिप्लाई डिड नॉट एम्यूज द चाइल्ड, और फिर यह देखकर कि उसके जवाब से वह लड़की जो है एम्यूज जो है खुश होना या फिर आनंद प्राप्त करना, कि उसने यह देखकर कि उसके इस जवाब से वह छोटी लड़की ज़्यादा खुश नहीं हुई है, ज़्यादा आनंदित नहीं हुई है। ही हेल्ड अप हिज फैटर्ड हैंड्स, उसने जो है हेल्ड अप जो है ऊपर उठाए, हिज फैटर्ड जो है, फैटर्ड हैंड्स होते हैं बंधे हुए हाथ, उसने जो है अपने बंधे हुए हाथ ऊपर उठाए जो बेड़ियों में बंधे हुए थे। अली ही सैड, उसने कहा अली, आई वुड हैव थ्रेस्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड, मैं उस बूढ़े ससुर को मार देता लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बाउंड बंधे हुए हैं। ओन ए चार्ज ऑफ मर्डरस असोल्ट, रहमत वार सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, यानी मर्डर के आरोप में, ऑन द चार्ज ऑफ, ऑन ए चार्ज ऑफ होता है आरोप में, मर्डरस असोल्ट जो है मतलब हत्या के प्रयास के आरोप में जो है रहमत को, रहमत वार सेंटेंस, रहमत को जो है कुछ सालों की जो है सजा या कुछ सालों का जो है कारावास हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही, कल फिर हम आगे करेंगे, थैंक यू।